प्रगति आजीविका स्वच्छ सहकारिता की ओर बढ़ेंगे हमारे अतिथि रीफर मोड़ा उज्ज्वल स्वच्छ सहकारिता भवान बाग के साथ इसलिए हैं। उसके बाद हम आगे जाएंगे प्रगति आजीविका स्वच्छ सहकारिता रीफ अल्मोड़ा मंडवा तिल मल्टीग्रेन बिस्किट और बेकरी प्रोडक्ट आपको वहां पे देखने को मिलेंगे। तो अगर आप लुत्फ उठाना चाहते हैं इन चीजों का तो जरूर एक बार आप होके आए प्रगति आजीविका स्वच्छ सहकारी रीफ अल्मोड़ा के स्टॉल में। और वहां पे अगर आप चाह रहे हैं कि आज मोमो का भी आनंद ले तो आप मोमो का भी आनंद ले सकते हैं, लेकिन वो मोमो आपको मंडवे के मिलेंगे। तो अपने जो मिलेट्स हैं हमारे हैं जो अपने उत्पाद हैं उसको बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं प्रगति प्रगति स्वयं सहायता समूह ग्वारहाट क्षमा करें प्रगति आजीविका स्वायत्त सहकारिता रीप ILSP इंटीग्रेटेड लाइवलीहुड सपोर्ट प्रोजेक्ट है और उसी के तहत ये लोग ट्रेन हो रहे हैं। उसके बाद हमारे अतिथि पहुंच रहे हैं मोती महल डीलक्स, इनका ये ब्रांड है मोती महल डीलक्स। मोती महल डीलक्स का ये स्टॉल लगा है, उसके हमारे अतिथि पहुंचे हैं। अब हमारे अतिथि पहुंचे हैं हिमगिरी नेचुरल प्रोडक्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी खत्याली अल्मोड़ा। सभी प्रकार के मशरूम के प्रोडक्ट यहां पे हैं। मैं जब उस स्टॉल में गया तो वहां पे मशरूम के अलावा कुछ चीज नहीं थी, जो भी चीज बन रही थी मशरूम की ही बन रही थी। तो मशरूम के हर तरह के प्रोडक्ट आपको वहां पे मिलेंगे। मेरा निवेदन है कि आप लोग जरूर उस स्टॉल का भी आप निरीक्षण करें, जरूर होते आए। हिंगरी नेचुरल प्रोडक्ट्स कोऑपरेटिव सोसाइटी खजारी अल्मोड़ा ICTS ICTS के स्टॉल की ओर बढ़ रहे हैं। सभी को पोषण, सबको पोषण, सभी को पोषण। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करें, पोषण अभियान की बात करें, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की बात करें, नंदा गौरा देवी धन योजना की बात करें, ये सभी तरह की योजनाएं देने का काम कर रहा है महिला सशक्तिकरण बाल विकास विभाग और उसका ये ICTS का ये स्टॉल। उसके बाद हमारे अतिथि होटल एंड होम स्टे एसोसिएशन है हमारे कासर देवी स्टॉल लगा है, वहां पर भी बहुत सारे उत्पाद आपको मिलेंगे। इन उत्पादों का ऐसा नहीं आप भी लुत्फ उठा सकते हैं जब आपको समय लगे। ये पीछे देखिएगा और सीधे अब हमारे मुख्य अतिथि पहुंचे हैं माननीय मुख्यमंत्री और उनके कार्यक्रमों से आज के बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम लोकार्पण का कार्यक्रम। बहुत सारी योजनाओं का लोकार्पण हो रहा है, सात लोकार्पण हो रहा है आप देखेंगे। हमारे अतिथि पहुंच चुके हैं लोकार्पण में। विधानसभा अल्मोड़ा के अंतर्गत पेट शाल से डुमरी तक 7 किलोमीटर की मोटर मार्ग में शुरू का कार्य 316.41 लाख की लागत से बना ये मोटर मार्ग विधानसभा जागेश्वर के अंतर्गत बारकुना से चलती मोटर मार्ग लंबाई 5.625 किलोमीटर 232.72 लाख कई मोटर मार्ग। वही विधानसभा जागेश्वर में भी मंथागढ़ से बांठौक तक ये स्टेज टू का कार्य हुआ है। विधानसभा जागेश्वर में क्यूरो नगर दुर्गा नगर से अनोली मोटर मार्ग स्टेज टू का कार्य हुआ है। विधानसभा रानीखेत के अंतर्गत तालीखेत पीपली मोटर मार्ग अब आपके लिए खुल जाएगा, यहाँ पे अपग्रेडेशन का कार्य हुआ है। विधानसभा अल्मोड़ा के अंतर्गत आर्मी गेट से रैलाकोट तक मोटर कार्य में स्टेज टू का कार्य हुआ है। विधानसभा सोमेश्वर के अंतर्गत पाली बगड़ गणनाथ मोटर मार्ग के 8 किलोमीटर से अपग्रेडेशन का कार्य हुआ है। और जोरदार तालियां आपकी बजती रहे लोकार्पण।